हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और मैंने अपना जो पीएचडी है वो एल्जेब्रा में किया है और स्टूडेंट मैं सीएसआईआरनेट भी क्लियर हूं और मैं अपने जो वीडियोस हैं वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए अपलोड करता आ रहा हूं। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये वीडियोस कहाँ हैं, तो आप प्लीज़ अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप, मैं यहाँ पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उस प्लेलिस्ट में जाके सभी टाइप के मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी, तो वहाँ जाके आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरा जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप जाके कमेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट कहीं छोटी मोटी मैंने हो सकता है प्लस माइनस की छोटी मोटी मिस्टेक है तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाके कमेंट कर सकते हैं, सो देट कि मैं उसको रेक्टिफाई करूँ। और मैं जो मेरा पिन कमेंट है वहाँ पे भी मैं उसको डालने वाला हूँ, जिससे कि आपको पता पड़ेगी सर ने इसमें ये मिस्टेक कर दी, सो देट कि उसको आप अवॉइड करें। और स्टूडेंट्स अगर आप सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके अन अकेडमी का ऐप इंस्टॉल करें, देन वहाँ पे आप गजेंद्र पुरोहित सर्च करें, देन आप मुझे वहाँ पे फॉलो करें, सो देट कि मेरे जितने भी कोर्सेज है उन सभी कोर्सेज के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और आप मेरे कोर्स को रेट करें, रिव्यू करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सो देट कि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूं ऑपरेशन रिसर्च के अंदर जो कुछ टॉपिक्स हैं, और इसी के अंदर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स भी लेने वाला हूं, क्योंकि ऑपरेशन रिसर्च में ही स्टैटिस्टिक्स का कुछ पार्ट आता है, लाइक डिस्ट्रीब्यूशंस है एंड देन रैंडम वेरिएबल्स का कंसेप्ट है, देन प्रोबेबिलिटी में भी बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट लाइक मोमेंट है, MGF है, CGF है, तो ये सब मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। पर जो भी मैं आपके सामने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है वो स्टार्ट करने जा रहा हूं, और मैं आपको बता दूं कि जो ऑपरेशन रिसर्च है इसके अंदर ये सब टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूं, जिसके अंदर सबसे पहले मैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम लूंगा जिसको सॉल्व करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स है, लाइक सिंप्लेक्स, सबसे पहले तो ग्राफिकल मेथड आता है, देन उसके बाद सिंप्लेक्स मेथड आता है, फिर उसके बाद बीगेम टू फेज भी आता है, देन रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड का कंसेप्ट भी है, सो वो सब यहाँ डिस्कस करेंगे। ड्यूलिटी का कंसेप्ट भी है, वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का एक कंसेप्ट आता है, जिसके अंदर हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को अलग अलग मेथड से सॉल्व करते हैं, लाइक नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर मेथड है, मिनिमम कॉस्ट मेथड है, और भी अपन यहाँ पे मोदी टेस्ट और बहुत सारे अलग अलग ऑप्टिमिलिटी टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी लगता है, सो वो भी मैं आपके सामने यहाँ पे वैम मेथड है, दैट इज वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड है, सो वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देन असाइनमेंट मॉडल है, वो भी मैं आपके सामने लेने वाला हूँ। असाइनमेंट देखो, थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ कि ये जो ऑपरेशन रिसर्च है ये बिजनेस कि जो प्रॉब्लम्स होती है उस पर ये बनता है। अल्टीमेटली यहाँ पे ये ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि कोई भी बिजनेस मॉडल होता है वो दो कंसेप्ट पे काम करता है, एक तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए और हमारी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, प्लस हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको हमें क्या करना है, ऑप्टिमम उसका रिसोर्सेज का यूज़ करना है, हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो वो हम यहाँ स्टडी करते हैं। लाइक ट्रांसपोर्टेशन में भी यही होता है कि आपके पास कोई लोकेशन है, अलग अलग जगह से आपको उस लोकेशन पे क्रेन्स को भेजना है, तो किसको भेजना चाहिए पहले और किस तरीके से भेजना चाहिए, सो देट कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, मिनिमम आई है, लाइक जैसे आपके पास गोडाउन्स है और वेयर हाउस है, वहाँ से आपको सामान इधर से उधर करना है, तो कहाँ कौन सा सामान कहाँ रखना चाहिए, सो देट कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम आए। देन असाइनमेंट प्रॉब्लम मॉडल्स में क्या होता है कि लाइक आपके पास अगर चार काम है और चार आदमियों को आपको काम देना है और हर एक की कॉस्ट आपको पता है कि भैया ये आदमी इस काम का इतना लेता है और ये आदमी इतना लेता है, तो आपको कौन सा काम किसको असाइन करना चाहिए, सो वो असाइनमेंट प्रॉब्लम में आता है। देन डायनेमिक प्रोग्रामिंग में भी ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का हल्का सा आइडिया ये देता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे प्रोडक्ट जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, लाइक जैसे हम पेस्ट्री की बात करें या फ्लावर बिजनेस की बात करें या न्यूज़पेपर, जैसे आज का न्यूज़पेपर कल किसी काम का नहीं है ना, तो ऐसे बिजनेस की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि भैया हमें कितनी, लाइक जैसे हम पेस्ट्री की बात करें, तो मैं अगर अपनी कोई मैंने बेकरी खोल रखी तो मुझे कितनी पेस्ट्री बनानी चाहिए रोज, सो देट कि मेरा वेस्ट नहीं हो ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। तो ये यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। देन गेम थ्योरी होता है, स्टूडेंट गेम थ्योरी बहुत अच्छा मॉडल है, इस पर भी हम बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नॉर्मली ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है, सो ये भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। उसके बाद क्यून थ्योरी है, सो क्यून थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अलग अलग मॉडल्स होते हैं, लाइक कैपेसिटी पे होता है कि सिंगल सर्वर मॉडल है, देन फाइनाइट कैपेसिटी, सिंगल सर्वर, इनफाइनाइट कैपेसिटी, मल्टी सर्वर, फाइनाइट कैपेसिटी, मल्टी सर्वर, इनफाइनाइट कैपेसिटी, तो वो सब अलग अलग मॉडल को मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। उसके बाद एक पार्ट CPM होता है, सो प्रोजेक्ट इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक्स और क्रिटिकल पाथ मेथड, तो अगर हमें कोई प्रोजेक्ट हमें दे रखा है और हमें उसको पाथ दे रखा है
कि भैया आपको ये वाला काम इतने टाइम में करना, फिर ये वाला काम, फिर ये वाला काम, फिर ये वाला काम, तो हमें कौन सा पाथ यूज़ करना चाहिए सो देट कि हमारा टाइम कम से कम लगे और या कॉस्ट कम से कम लगे, तो वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। उसके बाद फिर इन्वेंट्री मॉडल है स्टूडेंट्स, इन्वेंट्री मॉडल भी बहुत ही हेल्पफुल होता है स्टूडेंट मतलब एग्जाम में भी आता है और ये रियल लाइफ में अगर आप बिजनेस में भी अगर आप देखते हो तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि कोई भी बिजनेस है उसके अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है स्टॉक की, कि हमें कितना स्टॉक रखना चाहिए, है ना। तो उस पर भी यहाँ पे ईओक्यू मॉडल्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दो टाइप के मॉडल होते हैं, एक डिटर्मिनिस्टिक मॉडल होता है, एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल होता है, तो वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। उसके बाद मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन मेथड होता है स्टूडेंट, ये भी बहुत ही अच्छा मेथड है, इस पर बेस्ड भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ऑपरेशन रिसर्च पे। और एक लास्ट टॉपिक आता है दैट इज सिक्वेंसिंग, इसको बोलते हैं जॉब सिक्वेंसिंग, है ना, कि कौन सी मशीन, यहाँ पे टू मशीन वाला है, टू मशीन एन जॉब है, एन मशीन एन जॉब है, पर यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से भी मतलब थ्री मशीन एन जॉब है या फिर एन मशीन एन जॉब है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग यहाँ पे इन द सेंस ग्राफ्स सॉल्व करते हैं। सो वो मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती क्या है। सो लीनियर से पहला ही वर्ड आ रहा है कि भैया यहाँ पे जो एक्स जो भी इक्वेशन बनेगी वो यहाँ पे क्या होगी, उसकी डिग्री क्या होगी, वन होगी, है ना। अब होता क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को, ये मॉडल को यार देखो, है ना, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे जो यूट्यूब पे हम लोग वीडियोस आपके लिए अपलोड कर रहे हैं ना, तो मैं कमेंट देखता हूँ स्टूडेंट्स के, सर यार ग्रीन थ्योरम का प्रूफ बता दो, सर उसका प्रूफ बता दो, सर इसको इसका प्रूफ बता दो। यार भैया ये जो यूट्यूब पे हम लोग आपको पढ़ाते हैं वो हम आपको बताते हैं कंसेप्ट्स और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल, है ना। अगर हम थ्योरी पोर्शन में घुस जाएंगे तो वो इतना टाइम नहीं है, क्योंकि एक थ्योरम को प्रूफ करने में लगभग 8 से 15 मिनट खराब हो जाते हैं। अगर मैं प्रूफ करने जाऊंगा तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम खराब होगा। प्रूफ आप आराम से बुक में समझ सकते हैं, अगर आपको न्यूमेरिकल कंसेप्ट समझ में आ गया, उसका एप्लीकेशन समझ में आ गया, तो आप प्रूफ भी समझोगे तो आपको कहीं तकलीफ नहीं होती है ना। और यहाँ पे जो YouTube पे हम लोग आपके लिए जो कंटेंट लेके आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये कंटेंट आपकी आपको हम गाइड करना चाहते हैं, हम एक बार सब्जेक्ट से गो थ्रू करना चाहते हैं कि भैया ये जो सब्जेक्ट ये है ना, आप चाहो कि यार ऑपरेशन रिसर्च पे जो बुक है हमारे पास लाइक हीरा गुप्ता है या फिर एस के भामरी सॉरी एक और जो बुक है आई थिंक शर्मा की जो बुक है, सर आप पूरी बुक सॉल्व कर दो, यार दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम लोग, अगर मैं बुक सॉल्व करने लग गया तो मेरे को दो साल लगेंगे, अगर डेली में वीडियो भी अपलोड करूं तो भी 2 साल में इस पूरी बुक को सॉल्व नहीं कर सकता मैं यहाँ पे। सो फ्रेंड इतना पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पे हम लोग जो आपके लिए काम कर रहे हैं जस्ट गाइड करने के लिए कि यार भैया ये कंसेप्ट ये है और इसका इससे हम क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करते हैं, अगर आप एक सब्जेक्ट से गो थ्रू हो गए तो आपको क्वेश्चन करने में ये दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। सो थोड़ा सा आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसको उतना ही बना के रखिए जितना हम लोग आपके लिए हेल्प कर सके, ज़्यादा कभी कभी और एक्सपेक्टेशन से भी हम लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, अब मैं आपको बताऊं कि मेरे व्हाट्सएप पे लगभग डेली मुझे लगभग 100 से 125 स्टूडेंट रोज मुझे क्वेश्चन भेजते हैं कि सर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बताइए। यार इतना टाइम नहीं है मेरे पास, अगर मैं 100 स्टूडेंट का क्वेश्चन सॉल्व करने बैठा तो एक क्वेश्चन का एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मुझे 2 से 3 मिनट लगते हैं, तो लगभग मेरा 300 से 400 मिनट तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे, लगभग 5 से 6 घंटे तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, तो फिर आपके लिए वीडियोस कहां से बनाऊंगा। और मैं वीडियो बनाता तो उसके लिए मुझे कंटेंट भी देखना पड़ता है कि मैं किस टाइप का कंटेंट आपके लिए लाऊं सो देट कि कम टाइम में मैं आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकूं। स्टूडेंट यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज और बहुत सारे लोग टीचर्स अच्छे अच्छे वीडियोज अपलोड कर रहे हैं, पर जो डिफरेंस आपको मेरा वीडियो और दूसरे वीडियो में लगेगा वो ये कि मेरा ये होता है कि मैं कम टाइम में बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है सर आपकी स्पीड स्लो करो, अरे भाई यूट्यूब के अंदर एक सेटिंग होती है, सेटिंग्स आप अगर स्पीड को 1.75 कर देंगे तो मेरी स्पीड स्लो हो जाएगी, राइट। जब कोई टीचर स्लो पढ़ाता है या हम कोई वीडियो देखता है उसके अंदर ऊपर एक सेटिंग आती है, उस सेटिंग से हम स्पीड बढ़ा सकते हैं, स्पीड कम कर सकते हैं। आपको लगता है मेरी स्पीड फास्ट है तो उस सेटिंग में जाकर उसकी स्पीड को स्लो कर दो, है ना, या पॉज कर दो, समझ लो उसको, है ना। क्योंकि आज के जो टाइम होता है मुझे लगता है कि स्टूडेंट के पास भी इतना टाइम नहीं है, हमें कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा देना है, सो हम इसलिए मैं इतना फास्ट करता हूँ, तो आप थोड़ा सा हमारी भावना को समझने की कोशिश करें यहाँ पे। सो देखिए यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होती है, कोई भी बिजनेस होता है उस बिजनेस में जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या फिर कॉस्ट मिनिमाइजेशन, है ना। तो यहाँ पे जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम होती है इसके अंदर जो मॉडल होता है इसका, वो उसमें सबसे पहले आपका जो होता है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, या तो मैक्सिमम जेड होगा या फिर वो क्या दे रखा होगा आपको, मिनिमम दे रखा होगा, है ना। ये दो टाइप की प्रॉब्लम होती है आपके पास, है ना। लाइक जैसे मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे एक्स प्लस टू वाई, है ना, या फिर आपको दे रखा हो यहाँ पे 2x plus 3y, है ना। ये हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है ना। अब
कोई भी बिजनेस होता है उस बिजनेस में हमारी मजबूरियां होती है, राइट। जैसे मैं अगर बिजनेस कर रहा हूं तो मेरे पास क्या है यार, मेरे पास है ना इतना ही मैन पावर अवेलेबल है, मेरे पास इतना ही पैसा अवेलेबल है, मैं इतना ही काम कर सकता हूं, इतने टाइम में टाइम पे काम कर सकता हूं, है ना, या फिर मेरे पास इतनी ही जमीन अवेलेबल है कि मेरे पास इतना ही है कि मैं इतनी जमीन पे ये काम कर सकता हूं। तो आपके जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, है ना। सो वो जो रिसोर्सेज होते हैं जिसको हम यहाँ पे बिजनेस मॉडल के साथ हम कनेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट, लाइक है ना। कंस्ट्रेंट को हमेशा हम लेस देन ग्रेटर देन की फॉर्म में लिखेंगे, लाइक जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 2x + 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 या x + y इज लेस देन इक्वल टू 7, इस टाइप का आपको दिए होंगे, है ना। तो ये तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और ये जो आपकी क्या बिजनेस की मजबूरियां हैं कि आपके पास इससे और इससे ज्यादा अवेलेबल है, इससे और इससे कम अवेलेबल है ना, तो ये दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट, राइट। एंड देन ये जितने भी रिसोर्सेज होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। लाइक मैं आपसे बोलूँगी यार मेरे पास इतना ही पैसा अवेलेबल है तो पैसा पॉजिटिव होगा, मेरे पास इतना ही टाइम अवेलेबल है, टाइम भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, है ना। तो ये जो मॉडल होता है दिस इज कॉल्ड LPP, है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, है ना। लाइक जैसे मैं आपके सामने ही आ लूँगा ना, ये लिया मैंने x + y इज लेस देन इक्वल टू 5, 2x + y इज लेस देन इक्वल टू 7, एंड या चलो ग्रेटर ले लेते हैं, दोनों ग्रेटर देन ले लेते हैं, x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है, एक मॉडल है, राइट, है ना। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है उसके अंदर दो चीज होती है, एक तो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दूसरा होता है हमारा कंस्ट्रेंट, है ना। कंस्ट्रेंट हमारी मजबूरियां, जो कि भाई हमारे पास यही अवेलेबल है, हमारे पास इतना अवेलेबल है, ऐसे ज़्यादा अवेलेबल है, तो एटलीस्ट या एटमोस्ट या जो भी अवेलेबल और रिक्वायरमेंट या डिमांड सप्लाई जो भी आपको फॉर्म में आपको इस तरह से लिखा होगा। और ये 12th क्लास में एक चैप्टर होता है LPP का जिसमें आप फॉर्मुलेशन ऑफ LPP पढ़ते हैं, है ना, तो वहाँ आपने पढ़ा होगा। फिर भी मैं आपको कुछ यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि कैसे इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है उसको हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं, फिर देन बात करूंगा कि इसी टाइप की जो प्रॉब्लम होती है उसको हम सिंप्लेक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, फिर हम बात करेंगे बिग एम और टू फेस की, देन इसको हम खत्म करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे जो LPP का आपको ओवरव्यू दिया है, प्लस मैं ऑपरेशन रिसर्च में आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो अब मैं जो आपका नेक्स्ट वीडियोस लेने वाला हूँ, नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आने वाला है वो है कि कैसे हम ग्राफिकल मेथड से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे कुछ कंसेप्ट आता है लाइक इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर डीजेनरेसी है, देन अनबाउंडेड सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या फिर यूनिक सॉल्यूशन, ये सब केस भी मैं आपको अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, और अगर आपको मेरा वीडियोज अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। और स्टूडेंट आप कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है मोटिवेट करती है कि हाँ हमारा कंटेंट आपको हेल्प कर रहा है। सिर्फ आप अपनी फीलिंग को खाली अंदर रख लेंगे या मैसेज की फॉर्म में अगर लिखेंगे तो हमें समझ में आएगा, अंदर रखने से हमें पता नहीं पड़ेगा कि हम आपके लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू।